दोस्तों आपने YouTube पर ऐसे बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जिनमें ये बताया जाता है कि शॉर्ट्स वीडियो को वायरल कैसे करें। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा, एक ऐसा जेन्युइन तरीका बताऊंगा जिससे आप अपने शॉर्ट्स वीडियो को वायरल कर सकते हो। साइड में आप मेरे शॉर्ट्स वीडियो को देख पा रहे होंगे कि मैंने काफ़ी सारे शॉर्ट्स वीडियो को वायरल किया है, और मैं कैसे अपने शॉर्ट्स वीडियो को वायरल करता हूँ वो तरीका भी आज मैं आपको बताऊँगा, और शॉर्ट्स वीडियो वाला चैनल कैसे बनाते हैं जिन पे वीडियो वायरल होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों मैंने शॉर्ट्स वीडियो के लिए काफ़ी सारे चैनल्स बनाए हैं और मैंने काफ़ी सारे चैनल्स पर वीडियो को वायरल करके भी दिखाया है। आज वही तरीका मैं आपको बताऊंगा कि शॉर्ट्स को आखिर वायरल कैसे किया जाता है, और आपका शॉर्ट्स वायरल क्यों नहीं होता, आप क्या गलती कर रहे हो जिस गलती के कारण आपका शॉर्ट्स वीडियो वायरल नहीं होता। आज मैं आपको सही तरीका बताऊंगा जो कि आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। चलिए दोस्तों अब मैं आपको वो तरीका बताता हूँ जिस तरीके से मैंने अपने शॉर्ट्स को वायरल किया है। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने YouTube को ओपन करना है, ओपन करने के बाद आपको अपने चैनल पर जाना है। चैनल के बाद आपको जो ऊपर प्लस वाला आइकन दिखाई दे रहा होगा दोस्तों आपको इस वाले आइकन पर जाना है। आइकन पर जाने के बाद दोस्तों आपको अपना एक नया YouTube चैनल क्रिएट करना है, और क्रिएट आपको 3 बजे से 6 बजे के बीच में करना है। क्रिएट करने के बाद दोस्तों बस आपको उसमें ना कोई मोबाइल नंबर डालना है, ना ही कोई आपको उसमें हैशटैग डिस्क्रिप्शन कुछ भी नहीं डालना है। आपको सादा सिंपल चैनल क्रिएट कर लेना है, ना ही आपको उसमें कुछ भी नहीं लगाना है, ना फ़ोटो ना बैकग्राउंड कवर फ़ोटो कुछ भी नहीं लगाना है। बस आपको उसमें जा कर के शाम के टाइम में एक वीडियो अपलोड करना है। अपलोड करने का दोस्तों आपको एक टाइमिंग लेना होगा, जैसे कि आपको 7 बजे का एक टाइमिंग लेना है। आपको डेली 7 बजे ही उस पर एक ही कैटेगरी में वीडियो को अपलोड करना है। जैसा कि मैंने देखा है अपने चैनल पे, मैं अगर अलग कैटेगरी की वीडियो डाल देता हूँ तो मेरी वीडियो वायरल नहीं जाती। तो दोस्तों यही गलती आप कर देते हो जिस गलती के कारण आपकी शॉर्ट्स वीडियो वायरल नहीं जाती। आप क्या है कि अलग अलग कैटेगरी के वीडियो एक ही चैनल पर डाल देते हो, और इसी गलती के कारण आपकी वीडियो शॉर्ट्स फीड में नहीं जाती। YouTube का एल्गोरिथम ये पकड़ ही नहीं पाता कि आप किस कैटेगरी की वीडियो बना रहे हो, वो समझ ही नहीं पाता कि आप किस कैटेगरी की वीडियो बना रहे हो और उसे मैं कहाँ पर भेजूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये गलती कभी भी नहीं करनी है कि शॉर्ट्स वीडियो अलग अलग कैटेगरी की नहीं बनानी है। अगर आप उस एक चैनल क्रिएट करते हो तो आपको उस पर एक ही तरह की वीडियो को बनाना है। कुछ ऐसी टिप्स होती हैं जिनसे शॉर्ट्स वीडियो को वायरल किया जाता है, मगर ये कीवर्ड से कोई कभी भी शॉर्ट्स वीडियो वायरल नहीं होती कि आप अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये वाला कीवर्ड लगाओ और इस कीवर्ड से आपकी शॉर्ट्स वीडियो वायरल हो जाएगी, इसमें ये वाला टैग लगा दो और आपकी वीडियो वायरल हो जाएगी। दोस्तों शॉर्ट्स वीडियो कभी भी टैग और डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड डालने से वायरल नहीं होती, ये तो आप जानते हो। शॉर्ट्स वीडियो पर व्यूज़ तब आते हैं जब शॉर्ट्स वीडियो शॉर्ट्स फीड में जाए। शॉर्ट्स फीड में कैसे जाती है, जब दोस्तों आपका टाइटल और आपका जो आपने उस पर हैशटैग लगाया है, अगर उसी हैशटैग पर आप बार बार काम करते रहोगे, उसी हैशटैग को आप हर वीडियो में लगाओगे, तब जा करके आपकी वीडियो वायरल होती है। तो वायरल करने का सही तरीका क्या है, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि शॉर्ट्स वीडियो वायरल करने का सही तरीका क्या होता है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने अपने इस चैनल पर कैसे अपने शॉर्ट्स वीडियो को वायरल किया, और वही तरीका आज मैं आपको बताऊंगा। मैंने कई सारे चैनल को क्रिएट किया और उन पर मैंने अपना पहला वीडियो अपलोड किया और मेरा हर वीडियो वायरल जाता है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको वही स्ट्रैटेजी आज मैं आपको बताऊँगा कि मैं किस ट्रिक को अपनाता हूँ जिस तरीके से मेरी वीडियो वायरल होती है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या तरीका है जिससे मैं अपनी शॉर्ट्स वीडियो को वायरल करता हूँ। दोस्तों जब भी आप अपने YouTube चैनल को क्रिएट करो तो आपको 3 बजे से 6 बजे के बीच में अपने YouTube चैनल को क्रिएट करना है। क्रिएट करने के बाद आपको कोई भी एक टाइमिंग ले लेनी है, जैसे कि मान लो मेरा 8:30 बजे का टाइम है, और आप अगर एक ही टाइम पर 7 दिन तक वीडियो को अपलोड करोगे तब आपको जा कर के ये चेक करना है कि मेरी कौन सी वीडियो और उसमें क्या मैंने हैशटैग डाला है। अगर वही वीडियो आपकी वायरल जाती है तो उसी तरीके के वीडियो को आप डालना शुरू कर देना। अगर आपकी उसी चैनल पर अगर कोई भी वीडियो वायरल नहीं जाती है 7 दिन तक, तो दोस्तों आपको एक नया चैनल क्रिएट करना है। क्रिएट करने के बाद आपको उस पर 7 दिन फिर दोबारा से काम करना है, और उस पर ये देखना है आपकी कौन सी वीडियो वायरल जा रही है और उसमें आपने क्या हैशटैग डाला है। दोस्तों जो भी आपने उसमें हैशटैग डाला है उसी हैशटैग को आप बार बार डालिए, और उसी तरीके की जिस तरीके की आपने वीडियो डाली है उसी कैटेगरी की आप वीडियो डालिए, आपका चैनल 100% वायरल होगा और 100% ग्रो भी होगा। जैसा कि दोस्तों मैंने अपने साथ देखा है कि मैंने कई चैनल को क्रिएट किया है, और मैंने अपने चैनल को 3 बजे से 6 बजे के बीच में क्रिएट किया है, और उन पर शॉर्ट्स वीडियो वायरल करके भी दिखाया है, और मैंने ये भी दिखाया है कि मेरे कौन से कीवर्ड्स काम करते हैं। दोस्तों आपको भी एक कीवर्ड ले लेना है और उसी कीवर्ड्स पर काम करना है, और आपका वीडियो 100% वायरल होगा जिस तरीके से मेरा शॉर्ट्स वीडियो वायरल होता है।
दोस्तों यही एक तरीका होता है जिससे शॉर्ट्स वीडियो वायरल होता है। आपको तब तक चैनल को क्रिएट करना है जब तक कि उस चैनल पर आपकी शॉर्ट्स वीडियो वायरल ना हो जाए। दोस्तों आपको तब तक न्यू चैनल को क्रिएट करना है जब तक कि उस चैनल पर एक दो वीडियो वायरल ना हो जाए, और आप एक टाइम यानी कि सेम टाइम पर वीडियो को अपलोड करना है। जैसा कि आप 8 बजे वीडियो अपलोड करते हो तो आपको डेली 8 बजे ही वीडियो को अपलोड करना है। एक ना एक दिन आपकी वीडियो वायरल ज़रूर होगी, और जिस चैनल पर आपकी पहली वीडियो वायरल हो जाए आपको उसी चैनल पर काम करना स्टार्ट कर देना है, और आपकी फिर उसी टाइम पे हर वीडियो वायरल जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप वीडियो को डालो और डालते ही वायरल हो जाएगी। दोस्तों जैसा कि मैंने कई सारे वीडियोस में ये भी देखा है कि मैं वीडियो को डालता हूँ तो मेरे अगले दिन व्यूज आते हैं, यानी कि 24 घंटे बाद मेरी वीडियो शॉर्ट्स फीड में जाती है और उस पर अच्छे खासे व्यूज आते हैं। आपको भी ऐसे ही थोड़ा सा टाइम देना है अपनी वीडियो को और चैनल को, ताकि वो थोड़ा शॉर्ट्स फीड में जाने के लिए, दोस्तों उस पर टाइम लगता है, 24 से 48 घंटे का समय होता है एक वीडियो को शॉर्ट्स फीड में जाने के लिए। यही एक स्ट्रैटेजी होती है शॉर्ट्स वीडियो वायरल करने की। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।